फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चनों को आपने आइडेंटिटी से सोल्व करना है। सबसे पहले आपके पास पहला पार्ट है एक्स प्लस थ्री, सातवें मल्टीप्लाई में एक्स प्लस थ्री, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इससे दोनों सेम वैल्यू हैं, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो हम इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट जो आपके पास होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो है आपके पास एक्स और बी की वैल्यू आपके पास है थ्री। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आपने एक्स पुट कर देना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर आपने थ्री पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स प्लस थ्री को होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, टू टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपके पास ए है तो आपके पास एक्स है, मल्टीप्लाई में आपके पास बी है आपके पास थ्री है, प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, बी का स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सोल्व कर लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो यही है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर आपके पास है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव को आपने सोल्व करके बताना है। तो इसके अंदर आपके पास आइडेंटिटी नंबर फोर लग जाएगी जो कि आपके पास होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपके पास होगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एक्स होगा प्लस ए इंटू आपके पास बी होगा। तो आपको आइडेंटिटी में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ही प्लस है और यहाँ पर ही प्लस है, लेकिन आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ मेरे पास माइनस है। तो इसी वैल्यू को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस में लिख दूंगा मल्टीप्लाई में माइनस का थ्री लिख दूंगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स प्लस ए हो जाएगा और साथ में आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस बी। तो आपके पास जो ए और बी की वैल्यू थी, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का थ्री और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइव। आपने सिर्फ ए और बी वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए आपके पास है माइनस का थ्री और बी आपके पास है फाइव इंटू एक्स है प्लस ए इंटू बी, ए आपके पास है माइनस का थ्री और बी आपके पास है फाइव। तो इनको कर लेंगे हम सोल्व, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री होगा आपके पास आ जाएगा टू एक्स, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में से माइनस आ जाएगा, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन हो जाएगा। तो यही है आपका सेकेंड पार्ट का आंसर।